आशीर्वाद कुछ कुछ दिनों पर नहीं देना, जिस दिन जन्मदिन है, जिस दिन एग्जाम है, उस दिन नहीं आशीर्वाद, अपनी हर सोच और बोल को आशीर्वाद। दुआएं असंभव को संभव करती हैं, दुआएं असंभव को संभव करती हैं। अच्छा, अब अपने लिए चूज कर लिया, अब अपने परिवार में से एक मेंबर के लिए एक थॉट और क्रिएट कर लो। कोई एक मेंबर, उनकी कोई एक आदत, उसका एक काउंटर थॉट। मिल गया, मिल गया सबको एक थॉट, मिल गया, किस किस को मिल गया एक? अपना ढूंढने में हाथ नहीं उठे थे, उनका ढूंढने में जल्दी ज्यादा हाथ उठते। तीसरी चीज एक करते हैं, इसको अपनी एक जेनरिक वोकैबुलरी बना लेते हैं सबके लिए, जेनरिक वोकैबुलरी बना लेते हैं सबके लिए। तुम शक्तिशाली हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो। कभी कभी बोलते रहो, बाकी सारा दिन उसको सोचते रहो, आपके वाइब्रेशंस उस घर में फैलने लग जाएंगे। वो घर की एनर्जी वैसे ही हो जाएगी जैसे मंदिर और गुरुद्वारे की होती है, वहां भी तो यही शब्द फैल रहे होते हैं ना। कौन से शब्द होते हैं गुरुद्वारे में? तुम कौन हो, कौन हो, कौन से शब्द होते हैं गुरुद्वारे में सारा दिन? हम कौन हैं, कौन है, दीजिए कोई भी एग्जाम्पल। अपने बारे में क्या सुनते हैं वहां जाके हम? हाँ, वेरी गुड, हम परमात्मा की संतान है। बताओ कैसी थॉट है? जिसके हम बच्चे होते हैं उनके जैसे हम होते हैं, जिसके हम बच्चे होते हैं उसके जैसे हम होते हैं, है ना? कभी हम एक अलग तरह का बिहेवियर करें तो सामने वाला क्या कहते हैं, तुम कौन से परिवार के हो और कैसे कर्म कर रहे हो? ये तो याद रखो कि तुम किसके परिवार के हो। तो हम किसके परिवार के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम किसके बच्चे हैं? सच्ची में लगता है, सच्ची में लगता है, किस किस को सच्ची में लगता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं? वेरी गुड, परमात्मा की महिमा वो प्यार का सागर है और मैं, तू प्यार का सागर है और मैं, कंप्लीट करना, एक बूंद के प्यासे हम। राइट लगती है बात, राइट लगती है बात? बच्चा हूं वो प्यार का सागर है, तो मैं आत्मा क्या हूं? मैं प्रेम स्वरूप हूं, इसीलिए वो कनेक्शन है दोनों चीजों का। तू सर्वशक्तिवान है, तो मैं कौन हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तू शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तू ज्ञान का सागर है, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तू पवित्रता का सागर है, तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। वो ही सात गुण परमात्मा की महिमा में कि वो उसका सागर है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी तो उसका स्वरूप हूँ। कितना इजी नेचर चेंज करना, मैं कौन हूँ वो याद रखना, मैं किसका बच्चा हूँ वो याद रखना, और मैं जिसका बच्चा हूँ उसकी नेचर क्या है वो याद रखना। तो अगर कहना भी है कि ये मेरी फैमिली का संस्कार है तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो वाली फैमिली, ये मेरे पेरेंट का संस्कार है तो मेरा भी संस्कार है। परमात्मा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तो तुम मास्टर प्यार के सागर हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सिर्फ शक्तिशाली भी नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि मेरे बच्चे हो। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो बच्चे कौन हुए? मैं क्षमा का सागर हूं, तो बच्चे कौन हुए? मैं दुख हरता सुख करता हूं, तो बच्चे कौन हुए? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज का मतलब क्या है? हमारे संस्कार किसके साथ मैच करते हैं? ये भी याद रखें तो आदतें बदल जाएंगी, ये भी याद रखें तो आदतें बदल जाएंगी। तो संस्कार बदलना कितना इजी है, तो चूज कर ली ना दो, एक अपने लिए एक उनके लिए। रात को सोने से पहले उन दोनों को रिपीट कर लेना अच्छे से। मैं कौन हूँ? लाइट हूँ, ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश,
अगर सामने से कोई आकर पूछे भी क्या बात है, मूड खराब है, कहने नहीं जी बिल्कुल परफेक्ट। भाषा चेंज, इवन अगर झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, मतलब थोड़ा नहीं भी ठीक है तो बोलो नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट बोल के परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट बोल के परफेक्ट हो जाएगा। और अगर जैसे बोला हाँ पता है क्या हुआ, मूड तो खराब होना ही था, फिर सामने वाले ने बोला अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, उदास तो होना ही था, करते 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 वो उदासी का संस्कार एक्टिवेट हो जाता है और हम दोनों प्यार से इकट्ठे रोते, सीधा बोलो सामने वाले को नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट, सब परफेक्ट है। कहता अच्छा परफेक्ट है ना, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा दुख सिर्फ एक ही जना ठीक कर सकता है हम, और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, थॉट चेंज। उस दुख के बारे में बार बार वर्णन करना, ये सोच करके वर्णन करने से वो जल्दी ठीक हो जाता है, जितना उसको वर्णन करेंगे उतना वो वाला फाइल उस फोल्डर में से एक्टिवेट होता जाएगा, उतना सामने वाले के अंदर भी वो वाला फाइल एक्टिवेट होगा, फिर वो जो बोलेंगे फिर वो हमारे अंदर वो वाला एक्टिवेट होगा, और हमें जो चाहिए था हम उससे दूर होते जाएंगे। हम उनसे इसलिए बात कर रहे थे ताकि हमें थोड़ा लाइट फील हो, लेकिन कॉन्वर्सेशन के बाद और हैवी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। इंटेंशन दोनों की बहुत अच्छी थी। तो कोई भी कल सारा दिन में पूछे क्या हालचाल है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड आंसर बना के रखना चाहिए कि क्या हालचाल है, क्योंकि जब भी कोई मिलता है तो पूछता ही है, हाँ जी जी क्या हालचाल है, अब बताइए, चूज करिए और ऊपर लेते जाना, और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना, और जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना वो वाली फाइल एक्टिवेट होगी, वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो एनर्जी बॉडी को जाएगी, हर शब्द हाँ जी क्या हाल चाल है, वन बहुत बढ़िया, एनीथिंग एल्स, मस्त, हाँ वेरी गुड, एकदम मस्त, बढ़िया, और आनंद में हो, वेरी गुड, और भगवान का शुक्राना, ब्यूटिफुल, और हाँ जी बल्ले बल्ले, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और कुछ क्या हालचाल है, पक्का सब सेट कल के लिए आंसर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे चल रहा है, ऐसे कभी लो वाइब्रेशनल वर्ड नहीं बोलना है किसी को भी, किसी को नहीं, क्योंकि जैसे ही लो वाइब्रेशनल वर्ड बोला वो वाली फाइल एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही हाई वाइब्रेशनल शब्द बोला वो वाली एक्टिवेट हो जाती है। वो मूवी थी ना जिसमें गाना था ऑल इज वेल, उसकी लाइनें क्या थी, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी ऑल इज वेल बोलना, उसका मीनिंग है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो संस्कार को एक्टिवेट करने का तरीका है कि चाहे कितनी भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हो सब परफेक्ट है जी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और अगर ऑपोजिट बोलने की आदत पड़ जाए ना तो सब परफेक्ट भी चल रहा हो, बस थोड़ी बहुत बात आई हो जी क्या करें, मुसीबत पे मुसीबत ही आती रहती है, जीवन ही ऐसा है, पहले कोविड था अब ये आ गया, वॉर, एक्टिवेट हो गया गाना, जैसे ही वो गाना एक्टिवेट हुआ थोड़ी देर के बाद लो फील हो रहा होगा, पता नहीं चलेगा क्यों लो फील हो रहा है, अभी अभी वो गाना सुना था, जैसा गाना सुनते हैं मूड वैसा बन जाता है ना, तो खुद भी अच्छा गाना सुने, दूसरों को भी अच्छा वाला गाना सुनाए। परमात्मा कहते हैं कोई पूछे क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, क्या अच्छा है ना, खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, बोलते बोलते फरिश्ता बन जाएंगे, एंजल, फरिश्ता, लाइट, लाइट। और जब हम ऐसा आंसर देते हैं ना सामने वाले को, वो थोड़ा सा लो होता है तो वो भी ऊपर हो जाता है, इन्फेक्शन है ये, बहुत जल्दी कैच करते हैं हम एक दूसरे से, लो वाली भी कैच करते हैं और हाई वाली भी कैच करते हैं। तो हमें क्या बनना है, हमें वो बनना है जो सारा दिन सबको क्या रेडिएट कर रहा है, और करते करते पहले भले हम बोल रहे होंगे अंदर से नहीं भी बार बार फील कर रहे हो, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे होंगे, लेकिन बोलते बोलते वो फीलिंग बनती जाएगी, फीलिंग बनते बनते वो संस्कार बनता जाएगा, हम चलते फिरते रेडिएटर ऑफ पावर एंड खुशी बन जाएंगे। लोग उदास होंगे आपके पास 5 मिनट बैठने के लिए आएंगे, बस आपके पास बैठ के मेरा मूड ठीक हो जाता है, मुझे कोई बात नहीं करनी बस बैठना है। और जब हम बार बार लो वाली बातें करते हैं तो हमारा बच्चा भी उदास हो तो दूसरे कमरे में अकेला जाके बैठ जाता है, कहता है लीव मी अलोन, मेरे पास कोई नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि हम लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को
उठाना है, तो मैं कौन सी आत्मा उसकी लिस्ट बनाते जाना और उसी को अपने शब्दों में लेके आना और उसी को सारा दिन उच्चारण करना, वही उच्चारण दूसरों को सुनाना, वही उच्चारण दूसरों को सुनाना, उसको अपनी भाषा बनाना। आपकी भाषा सुन के दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी वो भाषा बोलने लग जाएंगे और सडनली पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पहले मेरी, फिर मेरे घर की, फिर मेरे वर्क प्लेस की, रेडिएट हो गया बाहर। अब इसको सदा याद रखने के लिए कि मुझे याद रखना है कि मुझे ये शब्द यूज करने हैं, क्योंकि संघ का रंग लगता है ना, संघ का रंग लगता है। अभी हम यहां बैठे हैं और हम ये वाले शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अब हम बाहर जाएंगे इसके बाद, बाहर जाएंगे, फिर कोई मिलेगा वो कोई और शब्द बोलेगा। अगर सामने गए हम, 9 बजे हमें कोई मिला, हमने किसी से कहा क्या हाल चाल है, और अगर वो तो नहीं आए थे ना आज इधर, वो तो नहीं आए थे, ये ध्यान रखना है कि कौन किस पे हावी होने वाला है अब इस टाइम। अगर सामने वाले ने गलती से दूसरी वाली भाषा बोल दी, उसकी भाषा में बह नहीं जाना, मतलब आपने डिसाइड किया कि आज से चाय नहीं पीनी, लेकिन सामने वाले तो ने नहीं डिसाइड किया ना, तो सामने तो लोग चाय पिएंगे ना, और जब वो चाय पिएंगे, अगर उन्होंने कहा पिएंगे आप, बस वो उस टाइम ध्यान रखना है सिर्फ अपने संस्कार का, उस टाइम ध्यान रखना है अपने संस्कार का, क्योंकि मेरे पास संस्कार है चाय पीने का, दैट्स वाई। अगर नहीं था तो फिर तो बहुत ईजी, हम एक सेकेंड में बोलते हैं नो, लेकिन मेरे पास है। जैसे ही सामने वाला पूछेगा पियेंगे, मेरा मन एक थॉट क्रिएट करेगा, आधा कप थोड़ा सा, बस वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है, वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है कि नो मीन्स नो मीन्स नो। उसके बाद सामने वाले ने भी पूछना नहीं और मेरे मन ने भी बोलना नहीं, जीवन भर के लिए आदत चेंज्ड, भाग्य चेंज्ड, नहीं तो जीवन भर के लिए एक चाय के कप के गुलाम। 2-3 दिन का ट्रांजिशन नहीं करते और हम गुलामी की आदत जीते हैं, और 2-3 दिन अटेंशन नहीं जी, पी लो सर दर्द होगा, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे थोड़ी छूटती है चाय इतनी जल्दी, बचपन से आप पी रहे थे, कोई बात नहीं जी छूट जाएगी, 2-3 दिन लोग बोलेंगे हमेशा, लेकिन क्योंकि उनको लगता है छूट नहीं सकती, और उनको ये भी बुरा लगता है इनकी छूट रही है मेरी तो छूटती नहीं, लगता है ना इनकी कैसे छूट सकती है। व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है हमारे संघ के अंदर, इस वाइब्रेशन से बचना चाहिए, वो इसलिए हमें राय दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं उस टाइम पे कि मेरे से नहीं छूटती, आपसे कैसे छूट सकती है, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, और हमें वापस अपनी एनर्जी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। उस टाइम ऐसे रहना है, और थोड़े दिन के अंदर ट्रांजिशन हो गया, आदत चेंज हो गई, और फिर हम ही इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उनको अपनी एनर्जी में लाने के लिए। किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये तो सारा दिन की बातें हैं कि हमें पहले अपने को बचाना है और फिर हम ही निमित्त बनते हैं उनको अपनी एनर्जी के अंदर लाने के लिए। वन चेंजेस other people will start to change and it will start from home, ये घर से शुरू होगा। तो इसको सहज करने के लिए, natural करने के लिए, इसी के लिए हम meditation सीखते हैं। Meditation है ही इन शब्दों का उच्चारण, उच्चारण मतलब यहाँ की recording, बोलना नहीं, यहाँ की recording। मैं शांत स्वरूप, मैं शक्तिशाली, मैं परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, इसको देखते हुए विजुअलाइज करते हुए जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर भरती जाती हैं, थोड़े दिनों में हमारी आदतें संस्कार चेंज होने शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं राजयोग, राजयोग अर्थात स्व पर राज्य करना, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करना। सीखेंगे मेडिटेशन, सीखेंगे मेडिटेशन। आज से कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हम आज से अपनी लाइफस्टाइल में डालेंगे, 5 मिनट में इनको नोट कर लो, सिंपल सिंपल, ताकि आपने जो आज पक्का किया वो करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल सिंपल छोटी छोटी आदतें, लाइफस्टाइल हैबिट्स, खुद भी करेंगे, फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट आदत,
अपनी भाषा को संभाल के रखने के लिए है, अपनी सोच को संभाल के रखने के लिए संघ के रंग से परहेज करना है, वो संघ है मीडिया, मतलब कंटेंट। आप यहां से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फोन ऑन करेंगे, आपको अलग भाषा मिलती जाएगी, अलग भाषा मिलती जाएगी। सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संस्कारों पर कंटेंट का है, क्योंकि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हमारी सोच बनती है। तो हम सीरियल देख रहे हैं, जो हम गाने सुन रहे हैं, जो हम मूवी देख रहे हैं, जो हम फोन पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, वो देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा। अगर उस कंटेंट के अंदर लस्ट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, नफरत है, हिंसा है, गुस्सा है, चिंता है, डर है, तो हमें नहीं देखना। क्योंकि जैसे ही हमने एक कंटेंट देखा, हमारा वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और वैसे भी कंटेंट का ध्यान रखना है, कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है। अपना ध्यान रखेंगे तो बच्चों को भी सिखा सकेंगे, प्रभाव डाल सकेंगे उनके ऊपर। तो आज से जब फोन को ऐसे स्क्रॉल करते हैं या टीवी का चैनल सर्फ करते हैं या इंटरनेट के साथ बैठे हैं, कुछ भी देखने लगेंगे तो अपने आप को याद दिला देना, ये मेरा व्यक्तित्व बन जाएगा, ये मेरी सोच बन रही है, ये मेरी भाषा बन रही है, ये मेरा संस्कार बन रहा है, ये मेरा भाग्य बन रहा है। इसीलिए 25 सालों में संस्कार और भाग्य बदल गए, क्योंकि कंटेंट बहुत फास्ट बढ़ता गया और आगे और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हम कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, तो वो क्रिएट करते जा रहे हैं और क्रिएट करते जा रहे हैं। अब उसमें रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही 15 मिनट, सिर्फ सोने से पहले 15 मिनट, उठते ही सात्विक कंटेंट अपने अंदर डाल दीजिए, ये 7 गुणों वाला कंटेंट अपने अंदर डाल दीजिए। इसको हम कहेंगे ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। सुनिए, पढ़िए या देखिए कोई भी चीज जिसके अंदर ये 7 गुण है, पवित्रता, शांति, शक्ति, स्पिरिचुअल कंटेंट। कर सकते हैं 15 मिनट सोने से पहले, इजी, इजी, वेरी इजी। आप सिर्फ 15 मिनट सोने से पहले कीजिए, आपको अपने नेचर में महीने के अंदर चेंज आना दिखाई देगा। इतना ज्यादा प्रभाव होता है कंटेंट का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। तो 15 मिनट रात को सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, और 15 मिनट सुबह उठते, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है। तो वो 2 टाइम है जब प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, या नहीं तो फिर सारा दिन में कभी भी सुन सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले डालेंगे, नींद गहरी आएगी, क्योंकि मन को क्या करके सो रहे हैं, शांत और स्थिर करके सो रहे हैं। अगर उसकी ऑपोजिट क्वालिटी का कंटेंट डालेंगे, मन रात को अशांत रहेगा, पता नहीं चलता है हमारे को, हमें नहीं पता चलता हमारा मन कैसा था। हमें तब पता चलता है जब सपने आते हैं। कभी कभी किसने अनुभव किया कि कोई मूवी देखी थी, कुछ देखा था जस्ट सोने से पहले, और नींद में उसका असर पड़ा, है ना, नेचुरल है ये। तो वो कभी कभी हमें दिखता है, बट एक्चुअली वो रोज हो रहा है, और हमें गहरी नींद नहीं आ रही, और गहरी नींद नहीं आने के कारण भी मन और शरीर पर असर पड़ जाता है। दिन में झुटके आते हैं इतने घंटे सोने के बाद भी, क्योंकि रात को शरीर सो रहा था, मन वो सब प्रोसेस कर रहा था। तो स्पिरिचुअल कंटेंट, आध्यात्म, रात को सोने से पहले, सुबह उठते हैं।